वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी विद घुमक्कड़ में। आज हम जो है टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट यानी मानव विकास। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे होगा क्या, मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे फास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट यानी मानव विकास। ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान की शाखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ। इसको आपको जो है लर्न बाई हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेशन आपके बुढ़ापे तक काम आने वाली है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं एग्रियोलॉजी स्टडी ऑफ द कस्टम्स ऑफ अनसिविलाइज्ड पीपल यानी आदि मानवों के रीति रिवाजों का जो अध्ययन है वो एग्रियोलॉजी कहलाता है। अगला है एफिडियोलॉजी स्टडी ऑफ एफिड्स यानी एफिड्स जो कीट होते हैं उनका अध्ययन करना जो है एफिडियोलॉजी कहलाता है। एक्वीकल्चर टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड फिशेस इन वाटर जल में जो है पौधे तथा जलीय जंतुओं का पालन जो है एक्वीकल्चर कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवरों को जो है पालना और उनको जो है मैनेज करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। एरेनियोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर्स मकड़ियों का अध्ययन जो है एरेनियोलॉजी कहलाता है। एरेनिय एक शब्द है जो फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। अगला है आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस जोड़ों एवं संधियों का अध्ययन जो है आर्थ्रोलॉजी कहलाता है। ऑक्सिजनोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रोथ यानी विकास का अध्ययन। अगला है बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जीवों में जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं चलती हैं उनके बारे में अध्ययन जो है बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन हृदय तथा उसके जो है संबंधित बीमारियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। कोरोलॉजी स्टडी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जीवों के जो भौगोलिक वितरण होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन होता है उसको कोरोलॉजी कहते हैं। अगला है नीडोलॉजी स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट्स सिलेंट्रेट्स के बारे में जो है अध्ययन करना नीडोलॉजी कहलाता है। तो ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल मोलस्कन सेल का अध्ययन जो होता है उसको जो है कॉन्कोलॉजी कहते हैं। मोलस्क कहते हैं घोंघा प्रजाति जो होती है उनके बाहरी आवरण जो शंख होते हैं शंखों के बारे में जो है अध्ययन जो है कॉन्कोलॉजी कहलाता है। अगला है क्रेनियोलॉजी स्टडी ऑफ स्कल्स जो है कपालों का अध्ययन जो है उसके बारे में पढ़ाई करना स्कल्स के बारे में एप्स प्राइमेट्स और ह्यूमन के जो कपाल मिलते हैं उनको क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्रायोबायोलॉजी स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग बींग्स निम्न तापक्रम पर जीवों के पारिस्थितिक तंत्र का जो है अध्ययन जो है क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं टेटोलॉजी स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जीवों द्वारा जो है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो है टेटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स कोशिकाओं के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर्स पशु व्यवहारों का अध्ययन जो है इथोलॉजी कहलाता है। यूजेनिक्स प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन अनुवांशिकी के सिद्धांत की सहायता से मानव जाति में सुधार करना यूजेनिक्स कहलाता है। अगला है यूजेनिक्स साइंस ऑफ मेकिंग फिनोटाइपिक इम्प्रूवमेंट्स इन ह्यूमंस आफ्टर बर्थ
मेडिकल इंजीनियरिंग द्वारा मानव जाति में जन पश्चात बाह्य दिखने वाले गुणों जिनको फिनोटाइप्स भी कहते हैं उसके अंदर सुधार करना यूफेनिक्स कहलाता है। फॉरेंसिक मेडिसिन एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स इन सिविल और क्रिमिनल लीगल केसेस, चिकित्सीय विधि शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। फॉरेंसिक्स में जो है लीगल एस्पेक्ट जो होते हैं मेडिकल के उसको देखा जाता है, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स वगैरह आदि भी शामिल हैं, इसमें किस प्रकार का जहर दे के मारा गया, कौन से जहर ने किस ऑर्गन को इफेक्ट किया और वो व्यक्ति किस प्रकार से मारा, ये सब फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ा जाता है। अगला है जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड ट्रेसिंग देयर लिनिएजेस, परिवार व उसकी वंशावली जो होती है उसका अध्ययन जो है जीनियोलॉजी कहलाता है। अगला है जेरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ ओल्ड एज, प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, ओल्ड एज के बारे में पढ़ना तथा वृद्धावस्था की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में जान लेना और उससे जुड़ी हुई क्या क्या परेशानियां हैं उसको जेरोंटोलॉजी में पढ़ा जाता है। अगला है ग्लॉसोलॉजी, जो मेडिसिन की शाखा में आता है, स्टडी ऑफ डिसीजेस बाय एग्जामिनिंग टंग, जीवा यानी जो जीभ होती है उसको निरीक्षण करके जो है संबंधित रोगों को पता करना जो है ग्लॉसोलॉजी कहलाता है। अगला है जर्मोमॉर्फिज्म, कंडीशन ऑफ ए पर्सन हु लुक्स ओल्डर देन हिज क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, अल्प आयु में वृद्ध देखना, ये जियोमॉर्फिज्म कहलाता है। कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल न्यूक्लियाई, क्रोमोसोम्स और जो सेल का न्यूक्लियस होता है या जो केंद्रक होता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कैरियोलॉजी कहते हैं। अगला है इक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड ट्रैक्स ट्रेल्स, जीवाश्म पद चिन्हों का अध्ययन, जो प्रागैतिहासिक मानव था वो किस किस रास्ते में गया और क्ले पर जो है उसकी गिली क्ले पे या मिट्टी पे जो है उसके पैरों के निशान पड़ गए, उस जीवाश्म के जो पद चिन्ह हैं वो बन गए थे तथा उनके बारे में जो है अगर कोई स्टडी की जाती है तो उसको इक्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, मायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट एंड एक्शंस ऑफ मसल्स, मांसपेशियां जो होती हैं उनके स्ट्रक्चर संरचना कैसी है, उनकी अरेंजमेंट क्या है और वो किस काम में मदद करती हैं उसके बारे में अध्ययन करना जो है मायोलॉजी कहलाता है। लैरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ लैरिंग्स एंड इट्स डिजीजेस, स्वर रज्जु या स्वर यंत्र जो है और उनकी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। लैरिंग्स कहते हैं वॉइस बॉक्स को, तो लैरिंगोलॉजी जो है लैरिंग्स और उससे एसोसिएटेड डिसीज को बारे में पढ़ा जाता है। अगला है निपियोलॉजी, स्टडी ऑफ यंग इन्फेंट्स एंड देयर डिसीजेस, नवजात शिशुओं तथा उनकी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉर्मल किडनी फंक्शंस एंड इट्स डिसीजेस, गुर्दों तथा उनमें होने वाले विकारों का अध्ययन जो है उसको जो है नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसमें किडनी के स्टोन्स हो गए, पथरी हो गई या उनके ट्यूमर्स हो गई, सिस्ट हो गई, गांठें हो गई, ये सब नेफ्रोलॉजी में पढ़ते हैं। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसीजेस, तंत्रिका तंत्र तथा उनके विकारों का अध्ययन, इसमें जो है ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है उसमें होने वाले डिसीजेस और उनके विकारों ट्यूमर्स वगैरह गांठें हैं सिस्ट हैं ये सब के बारे में पढ़ा जाता है। अगला है ओडोनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाई एंड डेमसल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई तथा डेमसल फ्लाई जो है कीट होते हैं उनका अध्ययन जो होता है ओडोनेटोलॉजी कहलाता है। अगला बिंदु है साइकेट्री, स्टडी डील्स विद डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, मस्तिष्क या मनोविकार संबंधित जो है
डायग्नोसिस करना, उनका बचाव करना तथा उनका इलाज करना जो है साइकेट्री कहलाता है। पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, मृदा तथा उनको जो है प्राकृतिक रूप में अध्ययन करना जो है पीडोलॉजी कहलाता है। हिस्टोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग टिश्यूज, जीवित जो कोशिकाएं हैं उनके रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन करना जो है हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाता है। मास्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेथ इंक्लूडिंग निप्पल, स्तनों तथा निप्पल सहित उनका अध्ययन करना जो है मास्टोलॉजी कहलाता है। ओटोलैरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ ईयर एंड लैरिंग्स, ओटो कहते हैं कान को और लैरिंग्स कहते हैं वॉइस बॉक्स को, तो इन दोनों के बारे में ही अध्ययन करना जो है ओटोलैरिंगोलॉजी कहलाता है। फोटोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्रकाश का जो है विभिन्न जैविक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन जो है वो फोटोबायोलॉजी कहलाता है। रेडियोलॉजी, साइंस डीलिंग विद डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस यूजिंग एक्सरे, रेडिएशन एंड रेडियो फ्रिक्वेंसीज, एक्सरे यानी क्षय किरण, विकिरण तथा रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से बीमारियों का पता लगाना या उनके बारे में अध्ययन करना जो है ये रेडियोलॉजी कहलाता है। ये मेडिकल की एक ब्रांच है रेडियोलॉजी। रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस यूजिंग एक्सरेज, रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, एक्सरे, क्षय किरण तथा विकिरण तथा रेडियो एक्टिविटी की मदद से बीमारियों को ठीक करना। थेरेपी वर्ड लगा है इसमें, याद रखिए, लॉजी यानी स्टडी करना और थेरेपी यानी उसका इलाज करना या बीमारी को ठीक करना। तो आगे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के जो है ये चरण है। अब आप देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकल एफरेंसिस है, इसका अभी हाल ही में इसकी खोज हुई है, इसका नाम लूसी था और ये पहला ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था दो पैरों पे चलने वाला बाइपेडल जिसको मोशन कहते हैं पहला एप था। इसके बाद जो है होमो हैबिलिस आए, होमो हैबिलिस जो है पहला जो है प्रागैतिहासिक मानव था जिसने जो है टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करना सीखा और उनके साथ जो है उसने शिकार करना चालू किया। उसके बाद जो आए थे वो आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इरेक्टस जो है पीकिंग मैन तथा जावा मैन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। पीकिंग एक जगह थी जो चीन में पाई जाती थी, तो उसी के नाम से पीकिंग मैन नाम रख दिया। ये होमो इरेक्टस की ही प्रजाति में थे। सिनेंथ्रोपस जो है उसको भी पीकिंग मैन के नाम से जाना जाता है। ये 750,000 वर्ष पहले यहाँ अस्तित्व में थे। जावा मैन जो है उसका नाम था होमो इरेक्टस इरेक्टस, थोड़ा लंबा था। जावा मैन ने क्या किया था, उसने आग का जो है प्रथम बार इस्तेमाल करना शुरू किया था और आग से जो है वो अपना खाना भी बनाता था तथा जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा भी करता था। उसके बाद नियंडरथल आए, नियंडरथल पहला ऐसा मानव था जो जिसने झोपड़ी बनाई अपने लिए जो है रहने के लिए जो है शरण स्थली बनाई, और जो लोग उनके परिवार के या सदस्य जो है मर जाते थे तो उनका जो है जमीन में गाड़ करके उनकी दफनाने की प्रक्रिया भी पूरी करते थे। तो नियंडरथल्स जो थे ये 4 लाख से लेके 28,000 वर्षों तक, पिछले 28,000 वर्षों तक जीवित थे। ठीक है, इनका जो स्कल था वो मानव स्कल के बराबर ही था या उससे थोड़ा सा बड़ा था इन लोगों में, और वाइटल यानी कि जो आँख देखने के जो चैम्बर थे वो बड़े ही
डेवलप्ड थे तथा इनका जो ऑक्सीपिटल लोब था ब्रेन का वो भी बहुत बड़ा था, जिससे ये बहुत ही स्टेबल होकर के जीने वाले थे। ये जो है कोल्ड क्लाइमेट में बहुत सा जल्दी अडेप्ट हो जाते थे तथा ये माइग्रेटरी स्वभाव के थे, यानी प्रवासी स्वभाव के थे, एक जगह रुक कर नहीं रखते थे, धीरे धीरे ये विस्तृत होते चले गए या फैलते चले गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहे, धीरे धीरे फैलते चले गए। अंतिम में जो है होम्योसेपियंस आए। होम्योसेपियंस से पहले जो थे क्रोमोग्नॉन मानव होम्योसेपियंस की पीढ़ी थी वो जानी जाती है। होम्योसेपियंस जो है आदि मानव का जो है हाल के पूर्वज थे। इन्होंने जो है क्रोमैग्नॉन मानव ने जो है होमो नीएंडरथलेंसिस से जो है शिलाओं पे या गुफाओं में जो है चित्रकारी करना सीखा। ये लोग जो है दीवारों पे जो है चित्र बनाते थे शिकार के, चाहे अपने परिवार के या जंगली जानवरों के, हिरन के, शेर वगैरह जिसका ये शिकार करते थे। और ये जो है 45,000 साल पहले से लेके 35,000 साल पहले तक ये अस्तित्व में थे और इनका जो है इटली तथा ब्रिटेन में अवशेष पाए गए हैं। अब सबसे अब रिसेंट जो है होमो सेपियंस सेपियंस चल रही है, जो हम लोग वर्तमान पीढ़ी में हैं। होमो सेपियंस सेपियंस जो है मॉडर्न ह्यूमन भी कहलाता है, ठीक है। और ये जो है 3,15,000 वर्षों से जो है होमो की स्पीशीज चलते चले आ रही है और अभी भी ह्यूमन इवोल्यूशन अभी रुकी नहीं है, ये अभी ह्यूमन डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या है। जर्नी फ्रॉम ऑस्ट्रेलियोपिथेकस टू मॉडर्न ह्यूमन। अब आप ये देखेंगे कि शून्य से लेके 4 मिलियन ईयर्स का चार्ट दिया हुआ है। तो अगर आप पहले देखें तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सबसे पहले पृथ्वी पर इन्हीं लोगों का राज था। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की जो लूसी है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एफरेंसिस वो मिली है, और 6-7 प्रजातियां और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की मिली हैं, अफ्रीका में पाई गई हैं। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो थे वो 4 से लेकर 1.8 मिलियन ईयर्स अगो तक उनका पृथ्वी पर राज था। इसी में आगे वाली पीढ़ी में थे किनियंथ्रोपस, जो 3 से लेकर 2.7 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर राज किया। और पैरेंथ्रोपस भी थे 3 से लेकर 1.2 मिलियन ईयर्स तक उन्होंने राज किया था। सबसे ज़्यादा राज करने वाला इस पृथ्वी पे जो है होमो इरेक्टस, जो बहुत संख्या में पाए गए हैं, उन्होंने बहुत समय तक पृथ्वी पे राज किया। अगर आप देखें तो होमो नीएंडरथलेंसिस जो है, जब ये प्लियोसीन और प्लेस्टोसीन जब एरा चल रहा था, तो ये सबसे आखिरी में जीवित रहने वाले होम्योसेपियंस के साथ जो है अपना पूर्वज जो है होमो नीएंडरथलेंसिस थे, इन्होंने ही बहुत सारी चीजें होम्योसेपियंस को सिखाई थी। तो ये जो है पिक्चर मैंने ली है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से, आप लोग भी इस पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वस्तु निष्ठ प्रश्न, कुछ क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है मानव विकास के हैं। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा मानव जीवाश्म भारत में शिवालिक पर्वतों से ज्ञात हुआ। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए पिथेकैंथ्रोपस, बी रामापिथेकस, सी जिंजांथ्रोपस या डी सिनेंथ्रोपस। तो आइए देखें सही जवाब क्या है इसका। रामापिथेकस, रामापिथेकस जो है भारत में शिवालिक पर्वतों से प्राप्त हुआ था।
अगला क्वेश्चन नंबर दो, मानव के किस पूर्वज ने द्विपद गमन बाइपेडल लोकोमोशन को प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए क्रुगुप्त मैग्नोन मानव, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन सी जावा मानव या ऑप्शन डी पीकिंग मानव। आइए देखें इसका सही जवाब क्या है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने जो है पहला जो है बाइपेडल लोकोमोशन को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन नंबर थ्री, मानव विकास इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए मध्य अफ्रीका, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी लेथारिस अफ्रीका या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आइए देखें इसका सही जवाब क्या है। मानव विकास जो हुआ है मध्य अफ्रीका में हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज कंडक्टेड इन सेंट्रल अफ्रीका। अगला क्वेश्चन नंबर फोर, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे? ऑप्शन है ए जावा मानव, बी पीकिंग मानव, सी क्रोमैग्नॉन मानव या डी नियंडरथल मानव। तो इसका सही उत्तर देखें कौन सा है। ऑप्शन सी क्रोमैग्नॉन मानव, जो हमारी होमो सेपियंस की पीढ़ी है उसमें क्रोमैग्नॉन हमसे पहले वाली जो है पीढ़ी था। और इसमें ये भी ज्ञात हुआ है कि होमो एंटिसर्स जो है हम दोनों का ही कॉमन एंसिस्टर हो सकता है। अभी इसके बारे में रिसर्च चल ही रही है। अगला क्वेश्चन नंबर पाँच, जावा मानव की कपाल गुहा यानी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी? ऑप्शन ए 1450 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 900 सीसी, ऑप्शन सी 1650 सीसी या ऑप्शन डी 1050 सीसी। आइए देखें इसका सही उत्तर क्या है। 900 सीसी या 900 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो जावा मानव की क्रैनियल कैपेसिटी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? हमारे ऑप्शन है ए प्लिस्टोसीन, बी मायोसीन, सी प्लियोसीन या ऑप्शन डी ओलिगोसीन। तो देखें सही उत्तर क्या है इसका। ऑप्शन ए प्लिस्टोसीन, अर्ली प्लिस्टोसीन में या लेट ओलिगोसीन में जो है मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। आइए आगे चलते हैं। आधुनिक मानव के निकट है कौन है? ऑप्शन हमारी ए जावा मानव, बी क्रुगमैग्नॉन मानव, सी रामापिथेकस या डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सही उत्तर है इसका देखें क्रोमैग्नॉन मानव। आधुनिक मानव के निकट कौन है? क्रोमैग्नॉन मानव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, किस महाद्वीप पर आदि मानव के सर्वाधिक जीवाश्म मिले? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या डी अमेरिका। तो आइए देखें इसका सही उत्तर क्या है। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप पर मानव के सर्वाधिक जीवाश्म पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रथम संभावित मानव होमो जीवाश्म था? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी पिथिकैंथ्रोपस या ऑप्शन सी होमो हैबिलिस या ऑप्शन डी रामापिथेकस। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस जो था वो 2.4 मिलियन ईयर से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक पृथ्वी पर वर्चस्व में था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमैग्नॉन मानव था क्या? ऑप्शन है हमारे पास ए मांसाहारी या कार्निवोरस, बी सर्वाहारी या ओमनिवोरस, सी शाकाहारी या हर्बीवोरस या ऑप्शन डी फलभक्षी या फ्रुगिवोरस। तो आइए सही उत्तर जानते हैं क्या है। सही उत्तर है सर्वाहारी। क्रोमैग्नॉन मानव जो है फल, कंदमूल और
शिकार भी करता था और मछलियां भी पकड़ के खाता था और फल और कंदमूल भी खाता था, तो वो सर्वाहारी है, ओमनिवोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस जीवाश्म मानव की कपाल गुहा क्षमता आधुनिक मानव के बराबर थी? आइए देखें ऑप्शन क्या है, ए पीकिंग मानव, बी जावा मानव, सी नियंडरथल मानव या डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो आइए देखें सही उत्तर क्या है इसका, नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव जो है वो हमारे से साथ में चलने वाला जो है पूर्वज था, और उसकी जो है कपाल गुहा की क्षमता जो है हमारे ही आधुनिक मानव के बराबर थी। अगला क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पिथिकैंथ्रोपस जो है का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है ए नियंडरथल मानव, बी जावा मानव, सी पीकिंग एंड जावा मानव या डी सोलोमो। सही उत्तर देखें क्या है, जावा मानव। जावा मानव को पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे सवाल आप लोग जो है लर्न बाई हार्ट करते रहिए, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल आपको जीवन में कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ए जावा मानव, ऑप्शन बी क्रोमैग्नॉन मानव, ऑप्शन सी रामापिथेकस या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो आइए देखें सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है जावा मानव। जावा मानव ने जो है भोजन पकाने के लिए तथा अपनी सुरक्षा के लिए जो है अग्नि का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है ए क्रोमैग्नॉन मानव, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी पीकिंग मानव या ऑप्शन डी नियंडरथल मानव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नियंडरथल मानव। अब इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि विकिपीडिया में जो है सन 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि नियंडरथल द्वारा जो है एक पेंटिंग पाई गई है एक जानवर की, अननोन जानवर है, उसकी जो डेटिंग की गई है वो 64,000 साल पहले ये बनी हुई पिक्चर है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि नियंडरथल मानव जो है उसने ही जो है चट्टानों पर, पत्थरों पर तथा गुफाओं में पेंटिंग की शुरुआत की थी, तथा यह पेंटिंग करने का हुनर जो है उसने अन्य प्रजातियों को भी सिखाया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जावा कपी मानव की खोज किसने की? ऑप्शन है ए लीकी ने, ऑप्शन बी मेयर ने, ऑप्शन सी डेविडसन ब्लैक ने या ऑप्शन डी यूजीन डिबुआ ने। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, यूजीन डिबुआ ने ही जावा कपी मानव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा जीवाश्म मानव सबसे आधुनिक है? ऑप्शन है ए नियंडरथल मानव, ऑप्शन बी क्रोमैग्नॉन मानव, ऑप्शन सी जिंजेंथ्रोपस या ऑप्शन डी सिनेंथ्रोपस। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है क्रोमैग्नॉन मानव। क्रोमैग्नॉन मानव हमारे आने वाली पीढ़ी से जो है पहले ह्यूमन सेपियंस में क्रोमैग्नॉन मानव का ही वर्चस्व था, धीरे धीरे ये पीढ़ी होमो सेपियंस सेपियंस में बदलते चली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किन जीवाश्मों के साथ अपने मृतकों को दफनाने की प्रथा का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है ए क्रोमैग्नॉन मानव, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी नियंडरथल मानव या ऑप्शन डी पीकिंग मानव। तो आइए देखें सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सही है नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव जो है अपने परिवार के जो सदस्यों को जो मर जाते थे
उनको जमीन खोद करके जो है उनको विधिवत पूजा पाठ करने का तरीका उसने कुछ ढूंढ निकाला था। उनके साथ जो हड्डियां वाली मालाएं वगैरह जो गहने के रूप में वो लोग पहनते थे उसको तथा खाने का कुछ सामान रख करके वो उनको विधिवत जो है दफनाते थे। तो ये मृतकों को दफनाने की जो प्रक्रिया जो है वो नियंडरथल मानव ने शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और कपि के बीच में संयोजक या कनेक्टिव लिंक है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ए रामा पिथिगस, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी पिथिगैंथ्रोपस या ऑप्शन डी सिनेंथ्रोपस। तो सही उत्तर देखते हैं क्या है, पिथिगैंथ्रोपस। पिथिगैंथ्रोपस जो है ह्यूमंस और कपि यानी एप्स के बीच में एक कनेक्टिव लिंक है, ये इन दोनों को जोड़ता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मानव का आदि पूर्वज कौन था जो अंतिम प्लिस्टोसीन एरा में या इपो में कह लीजिए विद्यमान था? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन बी जिंजांथ्रोपस, ऑप्शन सी एटलांटिक मानव या ऑप्शन डी नियंडरथल मानव। तो इसका सही उत्तर देखें क्या है, सही उत्तर है नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव जो है होमो सेपियंस के साथ में जो है अंतिम प्लिस्टोसीन एरा तक जो है विद्यमान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जावा कपि मानव पिथिकैंथ्रोपस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए होमो सेपियंस, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलोपिथिकस या ऑप्शन डी सिनेंथ्रोपस। तो जावा कपि मानव पिथिकैंथ्रोपस का जंतु वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन बी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है जावा कपि मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, होमो सेपियंस के लिए निम्नलिखित कौन सा सत्य है? ऑप्शन है ए आगे की ओर उठा हुआ मुख, बी कपाल गुहा की क्षमता 1450 सीसी, ऑप्शन सी सर्वाहारी या ऑप्शन डी विकसित थोड़ी। आइए देखें इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है विकसित थोड़ी। होमो सेपियंस जो है बाकी अपने प्रजातियों से जो है थोड़ा सा विभिन्न था, क्योंकि उसका जो है थोड़ी जो है आगे की तरफ न बढ़ करके जो है चेहरे के समानांतर थी, और यही से जो है बाकी मानवों से वो या कपि मानवों से उनको अलग करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, नियंडरथल मानव आधुनिक मानव से भिन्न था? ऑप्शन है पश्चप्रवण यानी रिसीडिंग जबड़ों से, ऑप्शन बी आगे की ओर बढ़े हुए जबड़ों से, ऑप्शन सी अच्छे औजार या टूल्स बनाने में या ऑप्शन डी अच्छे तस्वीरें बनाने में। तो सही उत्तर देखें क्या है, सही उत्तर है आगे के और बढ़े हुए जबड़ों में। नियंडरथल मानव का जो जबड़ा था वो आगे की तरफ बढ़ा हुआ था, इस वजह से वो आधुनिक मानव से थोड़ा सा भिन्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मानव का विकास संभव था क्योंकि मानवों के कपि सदस्य पूर्वजों में था, क्या चीज था? आइए देखें ऑप्शन क्या है, ए प्रवासी स्वभाव यानी माइग्रेटरी नेचर, ऑप्शन बी सुविकसित मस्तिष्क डेवलप्ड ब्रेन या ऑप्शन सी द्विनेत्रकीय दृष्टि बाइनोकुलर विजन या ऑप्शन डी बड़ा क्रेनियम या बिग क्रेनियम। तो ऑप्शन देखें कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन ए प्रवासी स्वभाव, माइग्रेटरी नेचर की वजह से जो है मानव विकास का जो है मानव का जो है विकास संभव हो पाया, क्योंकि मानव जो है एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे प्रवास करने लगे तथा जैसे जैसे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे
गए तो उन्होंने अपने अपने पीढ़ियों को भी जन्म दिया जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे फैलते चलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का प्रागैतिहासिक पूर्वज लेट प्लियोसीन के दौरान अस्तित्व में आया। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि प्लियोसीन जो है लेट और अर्ली प्लिस्टोसीन, इसमें लगभग कोई अंतर नहीं था, खाली ये प्रश्न को जो है घुमा के पूछने वाली बात है। आइए देखें ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, बी जिन्जांथ्रोपस, सी नियंडरथल मानव या डी अटलांटिक मानव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नियंडरथल मानव, जो लेट प्लियोसीन में और अर्ली प्लिस्टोसीन में विद्यमान था। आइए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? ऑप्शन है ए आदिवासी मानव के लिए, बी आधुनिक मानव के लिए, या ऑप्शन सी अधमानव के लिए, या ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक मानव के लिए। तो आइए देखें इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है प्रागैतिहासिक मानव। पूर्व पाषाण काल जो है वह प्रागैतिहासिक मानव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्रीहिस्टोरिक मैन कहा जाता है प्रागैतिहासिक मानव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ जो है संभवतः हुआ कब? ए कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी अफ्रीका के नाइल नदी के निकट, या ऑप्शन डी इन सभी क्षेत्रों में। तो आइए देखें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है अफ्रीका के नाइल नदी जो थी उसके निकट जो है मानव जाति में जो है कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभव हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था? ऑप्शन है ए होमो एबिलिस, बी रामापिथिकस, सी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखें इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है होमो एबिलिस। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? होमो एबिलिस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था? ऑप्शन है ए कुत्ता, बी घोड़ा, सी गाय, या ऑप्शन डी सुअर। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा प्राणी था जिसे सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया। वह उसका इस्तेमाल जो है अपना शिकार के लिए तथा अपनी सुरक्षा के लिए करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन है ए चिंपांजी, ऑप्शन बी गिबन, ऑप्शन सी गोरिल्ला, ऑप्शन डी लंगूर। आइए जानते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी लंगूर। लंगूर जो है एक कपी यानी कि एप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पेकिंग मानव माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नियंडरथल मानव, ऑप्शन बी सेनेंथ्रोपस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, या ऑप्शन डी अटलांटिक मानव। तो इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं क्या है। ऑप्शन बी पेकिंग मानव नाम से जाना जाता है। तो हमारे 30 जो है क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस वाले कंप्लीट हो गए हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है, तो आइए देखते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस को जो है सदर्न एप भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो है एफरेंसिस जो है उसको लूसी, मैंने बताया था आपको ये लूसी की फोटो है
आई लव लूसी लिखा हुआ है ऊपर सबसे बीच में। इसकी खोज जो है डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे ने जो है नवंबर 24 को 1974 में की थी। आप देख रहे हैं आई लव लूसी लिखा हुआ है, ये लूसी का एक प्रतिरूप बनाया गया है। लूसी के बाद जो है होमो हिबिलिस आए थे। होमो हिबिलिस अगर आप देखें दाहिने तरफ ऊपर कोने में, ये लोग जो है शिकारी प्रवृत्ति के थे। इन्होंने धीरे धीरे जो है औजार बनाना सीखा, औजार बनाते बनाते जो है ये शिकार करने में पारंगत हो गए। इसके बाद जो है ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज आई, इसमें प्रागैतिहासिक मानव जो है धीरे धीरे जो है इसमें सभ्यता का विकास हुआ। धीरे धीरे वो जो है ऊपर खड़े होकर के जो है सीधा चलने लगे। उसका नाम जो है होमो इरेक्टस या अपराइट मैन जिसके कहलाने लगे। यह देखिए आप सामने जो है ऊपर से बाई तरफ दूसरी भाला लिए हुए जो चित्र है, इसमें स्कल साइज जो है ऑस्ट्रोपिथेकस के मुकाबले में बड़ा हुआ दिख रहा है। और ये लोग मिल करके झुंड में रहते थे, शिकार करते थे तथा पृथ्वी में होने वाले क्लाइमेट बदलाव की वजह से आइस एज आई। आइस एज की वजह से जो है बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है जम गए थे। उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। जब वो बर्फ पिघली तो क्या हुए, ये होमोरेटस जो है एक कॉन्टिनेंट या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाने लगे। धीरे धीरे इन्होंने नई नई सभ्यताओं को जन्म दिया और नए तरीके से रहना सीखा और नए नए औजारों की खोज की, उनको गढ़ा। उसको जो है न्योलिथिक एज कहा जाता है या न्यू स्टोन एज कहा जाता है। इसमें जो है होमो सेपियंस जो है वाइस मैन निकल के आया। इन लोगों ने जो है आग जलाना सीख लिया था तथा जो है जानवरों को पालना सीख लिया। धीरे 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 जो है ये अब प्रवासी रूप छोड़ करके एक जगह स्थानों पर बसने लगे थे। इन्होंने जानवरों को पालना सीख लिया था। दूसरी तरफ जो नियंडरथल्स थे, इनकी प्रजातियां जो है किसी अनजानी बीमारी की वजह से या क्लाइमेट में होने वाले बदलावों को जो है सहन नहीं कर पाए कि धीरे धीरे ये एक समय ऐसा आया कि ये पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए। तो खाली रह गए होम्योसेपियंस। होम्योसेपियंस में जो है क्रोमैग्नॉन मानव जो हमारी प्रेजेंट जो होमो सेपियंस सेपियंस की प्रजाति है उससे पहले जो है क्रोमैग्नॉन मानव, उसने जो है सामाजिकता और एक जगह रह करके जो है खाद्यान्न उगाना शुरू कर दिया था और औजार उन्नत डेवलप कर लिए थे। उसने कपड़े पहनने लगा था, सामाजिकता उसने शुरू कर दी थी। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन आई तो बहुत ही बृहद रूप से खेती करने लगा। आग में जो है वो भुना हुआ खाना जो है या पकाया हुआ खाना जो है खाता था तथा कृषि के लिए उसने उन्नत औजारों से काम लेना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये मानव एवोल्यूशन और उसके विकास से संबंधित थी। इसमें अभी भी बहुत लेवल पे रिसर्च चल रही है। जो अभी प्रेजेंट के जो साइंटिस्ट है वो पुराने जो खोदे गए या जीवाश्म निकाले गए हैं उनसे जो है सहमति नहीं कर पा रहे हैं। उनके हिसाब से जो है जिस प्रकार से पुराने जीवाश्मों को खोद करके निकाला गया वह गैर साइंटिफिक था, यानी कि उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी। उस समय में उन्नत टूल नहीं थे, इस वजह से जो है इन जीवाश्मों से सही उम्र का या सही वंशावली का पता कर पाना जो है बहुत कठिन है। हालांकि अभी भी इसमें बहुत ही विस्तृत रूप से या बृहद रूप से जो है अनुसंधान या रिसर्च करने की आवश्यकता है। और एक बात और, मानव एवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, अभी भी ये
चल रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलते चलते जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन इसको दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।